हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है आदिवासी दिवस। आप सबों को आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं क्लास गई हुई थी और जब मैं क्लास से ऑफ हुई तब मैंने देखा कि बहुत अच्छी रैलियां निकली हुई है और मैं थोड़ा फंस चुकी थी जाम में, इसलिए मैं वीडियो भी शूट कर रही थी। और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कोई डांस करते हुए आ रहे थे। विभिन्न विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ, मुंडा जनजाति ये जो आ रहे हैं, ये हैं मुंडा समाज के लोग। और सभी अपने अपने स्तर पे जिसको जैसा इच्छा था वैसा उन्होंने झांकियाँ निकाली। और इनका ड्रेस कोड बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। गाना बज रहा था, गाना सुनते तो मुझे इतना डांस करने का मन करता है, पर रोड पे क्या ही करूं। अंदर अंदर मैं बहुत डांस कर रही थी क्योंकि गाना बहुत अच्छा लगता है सुनने में, नागपुरी सॉन्ग। और इनका ड्रेस कोड बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। मांदर, ढोलक सब बज रहे थे, छोटे छोटे बच्चे लोग भी धोती कुर्ता पहने हुए थे, तीर धनुष पीठ में लटकाए हुए थे। और इस बार मैंने देखा है कि ड्रेस साड़ी पहनने का तरीका थोड़ा सा अलग है, शायद संथाली ये साड़ी का है, मुझे उतना ठीक से नहीं पता, पर बहुत अच्छा लग रहा था वो वाला पैटर्न भी। और सारे भैया लोग जैकेट पहने हुए थे, लुक बहुत अच्छा आ रहा था। और ये रैली कचहरी की तरफ से आपको शहीद चौक की तरफ बढ़ रही थी। और कोई शहीद चौक की तरफ से कचहरी की तरफ जा रहे हैं, कोई उस पार से उस पार जा रहे हैं। सभी जिस जैसा जैसा जिसको लग रहा था जहाँ जहाँ जाना है, उनका लक्ष्य जहाँ पर है उधर उधर जा रहे थे वो सब। और ये रैली अरगोड़ा चौक की तरफ से सुजाता चौक की तरफ बढ़ रही थी। और फिर हम लोग उधर ही से होते हुए धुरवा डैम चले गए क्योंकि 3 दिन लगातार बारिश होने की वजह से इतना अच्छा पानी भर चुका था डैम में, क्योंकि ये गर्मी के टाइम में इतना खाली हो गया था ना कि देखने का भी मन नहीं करता था क्या हो गया यहाँ का डैम को। लेकिन आज मैं जब आई यहाँ तो देख के दिल मन सब खुश हो गया क्योंकि इतना पानी भरा भरा दिख रहा था ना। यहाँ कुछ असर दिखा क्योंकि पतरातू डैम में तो असर दिखा ही नहीं था इतना लगातार पानी आने के बाद भी, लेकिन फाइनली यहाँ पे शहर के इस डैम में पूरी अच्छी तरीके से इसका पूरा असर दिखा कि पानी अच्छा से भर चुका है। हाँ, पानी का कलर थोड़ा सा अलग हो गया है, मिट्टी वाला कलर हो गया है, लेकिन फिर भी पानी कम से कम फ्लोइंग में आ गया है, अच्छा भर चुका है। और यहाँ पर का तो नक्काशी तो इतना खूबसूरत लगता है देखने को, मैं रुक रुक के देखती हूँ। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे जा रही थी और मैंने वीडियो शूट किया, लोग बहुत सारे लोग फोटो शूट सब कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में पानी। और मैं कोशिश कर रही थी थोड़ा सा वीडियो शूट करूँ अच्छे तरीके से क्योंकि मुझे ढंग से नहीं आता है वीडियो शूट करना, मुझे तो फोटो क्लिक करने भी नहीं आता है। मेरी दीदी बहुत डांटती है इस वजह से क्योंकि मैं बहुत सारा सीन ही काट देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह से अच्छे तरीके से वीडियो शूट करूँ या फ़ोटो लूँ और आप लोगों के सामने मैं लाऊँ। और वहाँ पर बहुत सारी बकरियाँ चर रही थी। हम लोग थोड़े से पीछे वाले एरिया में गए थे क्योंकि वहाँ से नीचे उतरते हैं और थोड़ा सा पानी का जो लुक आता है बहुत अच्छा लगता है देखने में और नीचे भी उतरने का मन करता है। और ये है जंगली झाड़ियाँ, जंगली फूल, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहे हैं, पर्पल कलर में, वाइट कलर में है और पिंक कलर में। इसे अगर घर पे किनारे पे लगा दिया जाए तो कितना खूबसूरत लगेगा क्योंकि इसकी जो ऐसी डालियां हैं। और ये बच्चे स्टंट कर रहे थे, अब बताइए इस रोड में भी बच्चे स्टंट कर रहे हैं और मुझे इसे देख के बहुत डर लगता है क्योंकि मैंने बहुत इस रोड पे एक्सीडेंट देखा है और पता नहीं एक बचा भी नहीं, वो भी है मुझे ढंग से ही नहीं पता क्योंकि उसे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी थी। और यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मैं घर जा रही हूँ सीधे।